हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एपिडिडाइमिस की। तो एपिडिडाइमिस एक्चुअली में स्ट्रक्चर है कौन सा, तो जैसे सबसे पहले उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक टेस्टिस। ओके, टेस्टिस में हमको सभी पता है कि अंदर में टेस्टिकुलर लोबल्स वगैरह होते हैं और ये सब, ठीक है। टेस्टिस के जस्ट बाहर सबसे पहला जो इस टाइप से ये एक कॉइल ट्यूब निकलता है, ये कॉइल ट्यूब निकलता है और उसके बाद एक दूसरा ट्यूब कंटिन्यू होता है, डक्ट कंटिन्यू होती है, हम बोल सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। इसको हमने पिछले वीडियो में ड्रॉ भी किया है। तो ये हो गया टेस्टिस, ये हो गया एपिडिडाइमिस जो कॉइल स्ट्रक्चर है, ओके, और ये है आपका वास डिफरेंस, ठीक। तो हम बात कर रहे हैं इस एपिडिडाइमिस की। तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से इसकी लेंथ जो है बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसको समझने के लिए हम जो है कॉइल्ड स्ट्रक्चर ना ड्रॉ करते हुए एक सीधा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, जिससे हमको इसको समझने में आसानी हो। ओके, तो यहाँ पे आपका ये रेटिटेस्टिस और वैसा एफरेंशिया वो सब, ठीक है। अब उसके बाद जो है यहाँ पर ये एपिडिडाइमिस को समझने के लिए बुक्स में जो है इस टाइप से इसको डिफाइन किया हुआ है, ड्रॉ भी किया हुआ है। ये हो गया आपका एपिडिडाइमिस और इसके बाद कंटिन्यू हो जाएगा वास डिफरेंस इस टाइप से, ठीक है। हालांकि ये कॉइल रहता है लेकिन हमने जो है इसको सीधा ड्रॉ कर दिया है। तो ये है एपिडिडाइमिस। कॉइल्ड होने की वजह से इसकी लेंथ ज़्यादा होती है, अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर इसकी लेंथ होती है और इसके तीन पार्ट है। एक पार्ट है ऊपर वाला जिसको हम बोलेंगे हेड पार्ट, बीच वाला पार्ट उसको बोलेंगे हम बॉडी पार्ट, और तीसरा पार्ट नीचे वाला जिसको हम बोलेंगे टेल पार्ट। ओके, हेड पार्ट को अलग से एक नाम दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं कैपट, कैपट एपिडिडाइमिस। ओके, बॉडी को भी दूसरा पार्ट मिला हुआ है, नाम मिला हुआ है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एपिडिडाइमिस, ठीक है। और तीसरा जो है जिसको हम बोलेंगे कॉडा, कॉडा एपिडिडाइमिस, ठीक है। ये थोड़ा स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर है, इसलिए हम इसको अलग से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से स्पर्म जो है यहाँ पे स्टोर होता है, स्पर्म्स आर स्टोर्स, और स्टोर होते हैं वो कितने देर के लिए, 18 to 24 hours के लिए, ठीक है। और यहाँ पर स्पर्म जो है, स्पर्म अटेन्स फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, ये वर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि एपिडिडाइमिस में स्पर्म क्या गेन करता है, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी गेन करता है। फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी मतलब क्या, तो फर्टिलिटी गेन करता है, ये इस टाइप से। ये हो गया आपका एपिडिडाइमिस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्लैंड्स की, जो भी तीनों ग्लैंड्स है वो कौन कौन से है इसमें, उसकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू।